हम लोग लाइव रेट जा चुके हैं आई थिंक। वो दिखते ना ऐसे हार्ट आना शुरू हो जाते हैं टक 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 टक। एनीबॉडी इज देयर? हाय, हेलो, हेलो टाइम्स म्यूजिक। लो सबसे पहले आकाश आ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच आकाश। हु इज वॉचिंग योर लाइव? कवर कॉन्टेस्ट आकाश, अभी हम लोग को और कवर्स आना बाकी हैं। रिजल्ट हम बहुत जल्दी ही अनाउंस करेंगे, है ना? सो हाय आनंद, हाय एम डी साजिद, हाय आकाश श्रीवास्तव। आकाश ये बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ गया। तो जितने लोग हैं जल्दी से आ जाएं, हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तुम हर दफा हो के बारे में आनंद, आई एम गुड आनंद, हाउ आर यू? प्रिया, हाय प्रिया, आई एम गुड। वसीम ने ज्वाइन किया अभी अभी, ग्रेट। दीपांकर, हाय हाय दीपांकर। पहले मैं सबको अपना हाय हाय कर लूँ ना, उसके बाद बातें करते हैं। मैं रियाज टिप दूंगा इस सेशन में कंफर्म। सो गाइस, जितनी जल्दी जल्दी आप लोग आएंगे उतनी अच्छी अच्छी हम लोग बातें करेंगे। अब हार्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। थम्स अप। पूछिए क्या सवाल है आपके। रवि, हाय रवि, रवि राणा, ऋतिक, ऋतिक हाय, प्रकाश हाय प्रकाश। तुम हर दफा हो मेरे साथ? हाँ, मैं आपके साथ हूँ हर दफा, तभी तो यहाँ हूँ आप सबके बीच में। गौरव शुक्ला, हाय गौरव। जितने लोग भी ज्वाइन करते जा रहे हैं, अप्पू कुमार, रिमी वेदी, हाय। जितने लोग भी ज्वाइन करते जा रहे हैं मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपका जेन्युइन प्यार इस गाने को मिल रहा है। और यू नो, मैं, मेरी पूरी टीम, ब्रदरहुड की टीम, टाइम्स नेटवर्क की टीम, टाइम्स म्यूजिक की टीम, गाना की टीम, वी ऑल आर वेरी हैप्पी। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आई वांट टू नो व्हाट इज, आई वांट टू नो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद सोनल। सोनल, राज की बात है, मैं सोनल से खुद पूछ के तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? श्वेता, यू लाइक माय सॉन्ग्स, थैंक यू श्वेता, देना चाहिए था। एक कॉल आया अभी अभी, उसके लिए थोड़ा ही रुका है आई थिंक, बट मैं सही कर देता हूँ। ओके, आई लव यू सॉन्ग बढ़िया, आई थिंक ये रुक गया, नहीं नहीं आ गया, आ गया, आ गया। प्रियंका, थैंक यू सो मच प्रियंका, रियली स्वीट ऑफ यू। कैन यू सिंग योर सॉन्ग वंस? मैं ज़रूर गाऊंगा। आपके सामने मैं आया ही इसीलिए, मुझे आना ही था आपके लिए यहाँ पे, कि मैं गाने गा पाऊँ अच्छे अच्छे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, और ये टाइम्स म्यूजिक का अकाउंट से मैं लाइव गया हूँ अभी अभी, और यू नो मुझे अच्छा लग रहा है कि हार्ट्स आ रहे हैं, स्माइल्स आ रही है, थम्स अप आ रहा है, सब बहुत खुश हैं। और या सो और कोई भी आ रहा है क्या मेरे पास?
ओ आप भी आ गई. हाय हाय अंकित. हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट. कम से कम एटलीस्ट हाय तो बोलो आगे सबको. हाय गाइस. ये इनको इंट्रोडक्शन मैं कैसे ये इनका जो ओहदा है ना, ओहदा समझते हो? वकील साहब हैं ये. वकील साहब एक बार हाय कर दो सबको फिर से. Hi everyone, I am Rupreet and I'm from Times Music and I am sure you're going to love this interview with Ankit. I am very sure about it. Interesting, great. Gaurav Pandey, hi. आपको कुछ आपको आपने मुझसे बोला था कि आपको बातें करनी है मुझसे. Ankit, आज आशा जी का बर्थडे है. आज आशा जी का बर्थडे. So say something to her and say आशा जी का बर्थडे है. कितनी अच्छी बात है. और आशा जी, यू नो, मैंने बहुत बारी बोला हुआ है, मैं फिर से बोलता हूँ, आशा जी मेरे लिए और हम जैसे बहुत से म्यूजिशियंस के लिए एक स्कूल है अपने आप में. हम उनसे ऐसे ही सीखते रहते हैं, हम उनको ऐसे ही चाहते हैं, ऐसे ही प्यार करते रहते हैं. मैं दिल से आई जस्ट वांट टू विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड यू नो उनसे बहुत सीखने को मिला है एज अ प्ले बैक सिंगर. मैं तो मेरे लिए वो यू नो फीमेल किशोर कुमार हैं जो बिहाइंड द यू नो माइक जो एक्सप्रेशन है उनके वो बहुत खूब है, बहुत अच्छे हैं जितने भी गाने उनके हैं. तो या उनका कोई सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे गाने यार उन्होंने देखो एक गाना मतलब जिस वक्त मैं म्यूज़िक को बहुत समझ रहा था उस वक्त एक गाना आया था अदनान सामी का म्यूजिक था वो गाता हूँ. कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ जो नहीं कहा कभी तो समझ भी जाओ हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने ओ दीवाने. थैंक यू. श्रेया ने मुझे अभी भी बोला लव यू फ्रॉम नेपाल. थैंक यू श्रेया. सो अंकित, सो व्हाइल शूटिंग एट किर्गिस्तान हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तो अच्छा क्वेश्चन है. इससे एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि ये गाना किर्गिस्तान में शूट हुआ है. ऑलराइट. सो वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा था यार. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पहले मैं फिर से बता देता हूँ. किर्गिस्तान रशिया के नीचे आता है, रशिया में नहीं आता है, रशिया के नीचे आता है. और वहाँ पे लैंग्वेज रशियन ही बोली जाती है और बात करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरा यू नो एज अ सिंगर नॉन फिल्म जॉनर में मैंने पहला ऐसा वीडियो है जो इंडिया के बाहर शूट किया है. और छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स नहीं बोलूँगा बट यही होता है कि वो कंफर्ट जोन नहीं होता है. हमारा मोहल्ला, हमारा घर, हमारे लोग हमारे कम्फर्ट जोन में आते हैं. जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं बाहर तो वो एक जोन आपका चला जाता है. टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, दिन रात रात दिन हो जाता है. फिर आप काम करने जाते हो, एक लिमिटेड डे लेके जाते हो कि भाई इतने दिन में हमें वापस भी आना है. तो आई थिंक अच्छा भी है क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए नए लोगों से आप मिलते हो. जैसे मुझे एक बड़ी फ़नी चीज़ याद आ रही है कि मैं एक उसका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, बड़ा टफ नाम था उसका, रशियन नेम था और वो मेरा मेकअप कर रही थी. तो मैं उसको कभी बोलना होता था तो मैं टेक के दौरान कभी लगता था कि यू नो थोड़ा सा वेट हो रहा है तो मैं उसको बुलाता था और पता था ऐसे मैं इशारे कर करके बुलाता था. सो या आई मीन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छा रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट अबाउट किर्गिस्तान? एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि वाओ इतना अच्छा था, फनी एंड यू नो यू रिमेंबर इट. फनी तो शूट के टाइम पे हुआ. हमें जब क्योंकि
क्या था कि हम लोग पहले से ही प्लान करके गए थे और ऐसे शूट प्लान करके जाए जाते हैं कि इतने दिन की रेकी है और इतने दिन हम शूट पे देंगे और हमने ये अपना गाना शूट किया है। चलो आप लोग गैस करो, मुझे बताओ कितने दिन में गाना शूट, कितने दिनों में यह शूट हुआ होगा ये आप लोग मुझे अभी बताओ, ठीक है। तो जितने दिन में भी शूट किया है, हमारी प्री प्लानिंग ये थी कि हर सीन डिवाइडेड थे कि इस वक्त पे ये शूट करेंगे, यहाँ पे ये शूट करेंगे, यहाँ पे ऐसा शूट करेंगे, लेकिन चीज़ें थोड़ी अपोजिट हो रही थी हम लोगों के साथ। जब हमें सन चाहिए था जिस वक्त पे, उस वक्त बारिश हो रही थी, जब हमें बारिश चाहिए थी तब सन आ गया था। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, सेम टाइम टेंशन हो रही थी और उसी वक्त हंसी भी आ रही थी कि यार ये क्या रहा हमारे साथ। जहाँ किर्गिस्तान में बारिश कम होती है, सोचो जहाँ बारिश कम होती है, हम मेरे पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसमें किर्गिस्तान को भी आप बहुत पसंद आए। किर्गिस्तान को थैंक्स टू किर्गिस्तान, थैंक्स टू जो भी वहाँ के लोग जिन्होंने सपोर्ट किया। मैंने यू नो टाइम्स म्यूजिक पे जी जहाँ जो ये गाना रिलीज़ हुआ है तुम हर दफ़ा, मैंने नीचे कमेंट्स बॉक्स में देखा तो वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ये भी नोटिस किया है। सो मैं आप लोग को भी ये बता देता हूँ कि वहाँ की मीडिया ने भी इसको यू नो इसके बारे में लिखा है इसके बारे में बताया है, पोस्ट किया है वहाँ पे, मेरे को यू नो टैग किया उन्होंने तो मुझे पता चला। सो और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप दूसरा वीडियो यहाँ शूट करें और ठंड में आए, क्योंकि विंटर्स में नहीं, वो लोग कुछ बातें करते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान चला जाता मेरा, तो विंटर्स में वहाँ बर्फ होती है तो वहाँ पे भी मैं एक गाना शूट करूँगा ठंड वाला। अभी मैं बदतमीज़, मेरी आदत का बदतमीज़ हो गया यार, और अभी तो तुम हर दफ़ा हो का नंबर है। चलो मैं गा देता हूँ उनके लिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। मैं डिमांड कर दूँ? अरे हाय प्लीज बताइए। आज भूपेन हजारिका जी का बर्थडे है। अच्छा, उनका सॉन्ग दिल हुम हुम करे अगर आप गा दो तो। हाँ भूपेन जी का, मैं एक्चुअली मैं सच बताऊँ मुझे लिरिक्स याद नहीं है उसके, तो मैं कुछ भी गलत नहीं गाना चाहता, बट तो मैं उनको भूपेन जी का दिल से बर्थडे विश करना चाहूँगा। बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे, हम सबको बहुत इंस्पायर किया। मैं म्यूज़िक कंपोज़र पहले आता हूँ इसलिए मुझे लिरिक्स याद नहीं होते, अपने गानों के भी लिरिक्स भूल जाता हूँ, तो मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं गाना चाहता कि फैंस को बुरा लग जाए। तो सर प्लीज़, तो मैं ये देख रहा हूँ बहुत से लोग मुझे तुम हर दफ़ा को गाने को बोल रहे हैं। शिवम जैन, गौरव पांडे, इनफैक्ट हम सभी सुनना जाएंगे हर दफ़ा फॉर श्योर। तो ये भी गो नाउ तुम हर दफ़ा को, आपने बताया नहीं कितने दिन में शूट हुआ, चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं बताता हूँ शूट हुआ है ये गाना। रवि कह रहा सुना दो यार गाना, प्लीज सुना दो। ये गाना शूट हुआ है 2 दिन में। चौंक गई ना? तुम नया एहसास हो जन्नती बरसात हो, ओ तुम नया एहसास हो जन्नती बरसात हो, धूप जितनी है सुबह की उतने मेरे पास हो, तुम हो दिन के उजालों में भी रब सा ख्यालों में भी तुम हर दफा हो, तुम हो मेरी आवाजों में भी बिन बोले वादों में भी तुम साथ में मेरे।
रात बिताने, नींद की तरह आओ सिरहाने, तुम मेरी पहचान हो, तुम ही मेरा नाम हो, मैं हूँ पल बेचैनियों का, तुम मेरा आराम हो, तुम हो दिन के उजालों में भी, रब सा ख्यालों में भी, तुम हर दफा हो. थैंक यू. मेरी कोशिश ये रहती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने जो गाने गाऊं दिल से गाऊं. मेरा कनेक्शन मैं सोचता हूँ वो दिल से दिल तक का रहे. बिल्कुल होता है. क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त यू नो मेरी बातें सुन रहे हैं, हम मुझसे बात कर रहे हैं, ये अनकंडीशनल लव है. क्योंकि मैं इनसे बहुत लोगों से शायद कभी मिला ही नहीं. इन्होंने म्यूजिक मेरा सुना है, आवाज़ सुनी हुई है, तो उसके थ्रू एक कनेक्शन है और वो मुझे बहुत चाहते हैं, मैं उनको बहुत चाहता हूँ. इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई चाहत नहीं है, उनको मुझसे कुछ चाहिए नहीं, वो बस मुझे ऐसे ही चाहते हैं. Right, definition of unconditional love. Yeah. अंकित, how has been your journey so far? आपकी अभी तक, आप इधर भी बैठो क्योंकि मैं चाहूंगा इधर पढ़ते भी रहो, क्योंकि इधर भी सवाल आ रहे हैं, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, वो लोग बुरा मान जाएंगे. Yes, it's unconditional. See? I know. Yeah, आप कुछ पूछ रहे थे. So how has been your journey so far? अभी तक, starting से लेके अब तक, तुम हर दफा हो तक, कैसी रही आपकी journey? How मेरी अच्छी रही. बहुत कुछ सीखा म्यूजिक में, प्रोफेशनली पर्सनली काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली. और मुझे ऐसा लगता है कि यू नो ये जो रियल लाइफ एजुकेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. Yeah. वो हमेशा चलती रहती है, तो मैं उस प्रोसेस में बिलीव करता हूँ और आगे भी ऐसे ही मैं यू नो मैं सीखना चाहूँगा, मैं हमेशा सीखना चाहूँगा, और जितना भी सीख लो कभी भी वेस्ट नहीं होता. एंड हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन थ्रू आउट? कौन है जो आपको इंस्पायर करता है? वो मेरा प्यार. Mr. X. Who is this Mr. X? Mr. X एक फिल्म आई थी. ओह अच्छा. तो आपने पूछा था क्या होता है कि जैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से है, मेरी मॉम सिंगर है, बचपन मेरा म्यूजिक में गया है, तो ऐसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता गया. फिर मुझे जो बहुत ज़्यादा जिसने इंस्पायर किया वो मिस्टर ए आर रहमान सर. सोनल है. हम भी जानना चाहेंगे. शिवम कौन है अंकित, बता दो. चलो मैं बताता हूँ, वो है, अब गेस करो मैंने क्या बोला. सिंगर सॉन्ग गा डू मत जा रहे गा दो मत अच्छा गा डू डू पढ़ लो. कुसुम यादव, लुकिंग वेरी हैंडसम, थैंक यू कुसुम. सोनल की बात हो रही थी, सोना आ गई. वाह, आपकी आवाज दिल को छूती है, थैंक यू. अभी इन्होंने यही बोला. मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं दिल तक जाऊं. क्या है, एक बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ा अच्छा शेर है. जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था. जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था. लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है. वाह. ये गजल है जगजीत जी की, लव फ्रॉम पाकिस्तान.
थैंक यू आयान खान, बहुत ज़्यादा प्यार हिंदुस्तान की तरफ से। Keep touching our hearts. Yes, he'll do that forever, I'm sure. मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है, तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है। ये शिवम भाई सोनल सोनल के पीछे पड़ गया अब सब। बाय द वे, इस तुम हर दफा हो में सोनल नहीं है, उनका नाम है आदिति आर्या, जो कि 15 की मिस इंडिया है, मुझे प्लीज करेक्ट करो अगर मैं गलत हूँ, 2015 है ना, 2015 की मिस इंडिया है। और लव फ्रॉम आदिल फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू आदिल। नाउ वेटिंग फॉर रिश्ता आसमानी, हाँ मैं उस गाने पे भी काम कर रहा हूँ, और जैसा कि आपने अभी मेंशन किया, मैं आपको भी बता देता हूँ कि ये मेरा एक ही गाना नहीं है। अगर मैं बात करूँ नॉन फिल्म की, यू नो पॉप म्यूज़िक की, मैं और भी गाने करूँगा, और भी गाने आएंगे, जिसमें से तुम हर दफ़ा हो पहला था, और अभी बहुत से गाने आने बाकी हैं। अंकित, जब आप ट्रैवल करते हो तो कोई भी ऐसे टॉप 3 सॉन्ग्स बताओ जो आपकी लिस्ट में होते ही होते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग। यार डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में अलग अलग तरीके के मूड होते हैं, बहुत कभी कभी ट्रैवलिंग सॉन्ग बहुत, जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा एक गाना है तू है कि नहीं, वो ट्रैवलिंग सॉन्ग है। उसको मैं अपना गाना भी मोस्टली मैं सुन लेता हूँ ट्रैवल करते वक्त, कि तू है कि नहीं, ऐसा लगता है ट्रैवल या ट्रैवल सॉन्ग है, और तू है कि नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं सुनना चाहिए ना, तो वो मैं सुन लेता हूँ। और एक गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे साथिया फिल्म से, चुपके से लग जा गले, इट्स अ फीमेल सॉन्ग, थोड़ा सा आपको उधर होना चाहिए था तो आप ऐसा लिखते, लुकिंग हैंडसम, थैंक यू, मेरे दिल और दिमाग पर छा गया है तुम हर दफा हो, तालियां बजाइए टाइम्स म्यूजिक, तारीफ हो रही है, ये इधर बैठे हुए हैं, हाय बोल दो आगे एटलीस्ट, चलो आओ दोनों लोग, दोनों बैठी हुई, आप भी आइए, देखो हाय बोलना, ये देखो टाइम्स म्यूजिक, इधर आइए, आपका रेशमा, ये रेशमा है, इनका नाम रेशमा है, इनको भी गाना बहुत पसंद है, रेशमा पसंद है ना, देखो यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगा ये गाना, तो मैं चाहता था कि आप हाय करो, और आप भी, मौसम अच्छा है वर्षा, मॉनसून ये बरसने आ रही है, वर्षा है टाइम्स म्यूजिक से, हाय हाय मुझे भी कर दो, और ये भी टाइम्स म्यूजिक से हैं, इनको भी गाना बहुत पसंद आया है, इसलिए हमने रिलीज किया, यस हम लोग ने मिलकर काम किया, इनको आप हाई कर चुके हैं वकील साहिबा को, हाँ जी अंकित भैया मन बोलिए, पता नहीं, आई एम रियली सॉरी मैं पढ़नी, बट टाइम्स म्यूजिक के रिसेप्शनिस्ट ढंग से बात नहीं करती, ओ क्या है ये कौन है मुझे बिल्कुल पता नहीं ये कंप्लेन हो गई है आपकी, आपके अकाउंट से आपकी कंप्लेन हो रही है, क्या नाम है उनका, किनका रिसेप्शनिस्ट, उनको बोलो पब्लिक लिखी है, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, हाय रेशमा एंड अंकित सर इस कदर पर, रेशमा हाय रेशमा, रेशमा आपको हाय बोला, चला गया ऊपर अभी, पर बहुत जल्दी चला जाता है ना, तो टाइम्स म्यूजिक, रवि राणा बोल रहे हैं टाइम्स म्यूजिक मुझे भी चांस दो, अच्छा एक काम करिए आप, टाइम्स म्यूजिक का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट क्या है, टाइम्स म्यूजिक है, आप उसमें अपना डेमोस भेज दीजिए, करेक्ट है, तो आप अंकित का सॉन्ग जो है उसका कवर वर्जन भी भेजिए, या एग्जैक्टली, तो मैं आपको दो बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम से रिलेटेड बताना चाहूंगा, एक तो आप अपने जो भी गाने हैं, जो भी म्यूजिशियन है यहाँ पे, जो भी सिंगर है, आप अपना एक डेमो बना के आप इनके फेसबुक अकाउंट में भेज सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे इनको मिल जाएगा, और दूसरा फ़ोन नंबर भी दे दिया किसी ने, बात कर लिए तो कर लेना शिवम जैन शिवम सो फिर दूसरा तुम हर, हाँ मुझे बोल लेने दो यार
टाइम्स म्यूजिक परेशान कर रहा है मुझे. और दूसरी चीज ब्रो, इट वॉज सुपर्ब सॉन्ग, थैंक यू सो मच. और दूसरी चीज, तुम हर दफा हो का कवर वर्जन करिए और हमें भेजिए. आप मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट में भेज सकते हैं, आप मुझे टैग कर सकते हैं, आप ट्विटर पे मुझे मेरी ऑफिशियली अंकित है ना, ट्विटर पे ऑफिशियली अंकित पे मुझे टैग कर सकते हैं, उसमें ब्लू मार्क है, आप उसमें टैग कर सकते हैं. वो जितने भी कवर्स हैं हम तक पहुंचेंगे टाइम्स म्यूजिक के थ्रू. टाइम्स म्यूजिक हब उसको भी टैग करिए, gaana.com उसको भी टैग करिए, हमको मिलेंगे. और जितनी जल्दी से जल्दी जितने सारे वीडियोस हमें मिलेंगे हम उतनी जल्दी रिजल्ट अनाउंस करेंगे. और उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है. कपिल कह रहे हैं बदतमीज गाओ, बदतमीज सॉन्ग सुनना है. People want you live daily and they want you to sing a love song daily. Wow. तो मेरे शो कम हो जाएंगे. तुम ही रोज कहते थे तुम ही मुझसे प्यार करोगे, ऐसा कोई और न कर पाएगा, फिर क्यों खाली कर गए दिल को, ऐसे ऐसे कर गए खाली, कोई और न भर पाएगा. खाबों के उजले दामन पे न पाओगे है इतनी दरारें, कर्ज आशिकी का चुकाने की तैयारी है, तुम सुनो मैं बोलूं अब मेरी बारी है, टेढ़ी बातों का सीधा जवाब है, मैं बदतमीज मेरी आदत खराब है. थैंक यू. एक नंबर, किसने बोला? काजल, वाओ ग्रेट टू सी. किंजल, वाओ ग्रेट टू सी. किंजल. थैंक यू किंजल. कपिल, थैंक यू. हाँ, अब आप बोलिए. अंकित, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, डू यू एवर फील नर्वस बिफोर परफॉर्मिंग? ऑफ कोर्स, एवरी टाइम. एंड हाउ डू यू हैंडल दैट परफॉर्मेंस एंजाइटी? मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है कहीं ना कहीं जाके. और यू नो, अचानक से ये होता है कि शो है, परफॉर्मेंस है. एक जब वो होते आप होते हो बैक स्टेज पे, स्टेज पे जाने वाले होते हो, तब एक डर लगता है कि यार अब टच वुड सब अच्छा हो. यू नो, एक कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, वो नर्वस, वो हल्का, मतलब मुझे लगता है कि वो होनी चाहिए पॉजिटिव. ऐसा नहीं कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए. बस ये होता है कि यू नो, मैं जिसलिए भी स्टेज पर जा रहा हूँ वो मैं अच्छे से कर पाऊँ, तो वो होता है. और आई थिंक एक दो गाने बाद फिर वो धीमे धीमे निकलना शुरू होता है, ऑडियंस के साथ ऑडियंस का कनेक्शन शुरू हो जाता है, यू नो, इंटरेक्शन शुरू हो जाता है. अच्छा, ऐसे कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको यू विल लाइक टू लेंड योर वॉइस? द लव फ्रॉम नेपाल सर, दिवाली गिफ्ट. गिव देम अ सॉन्ग एज अ गिफ्ट. हां, टाइम्स म्यूजिक को बोलो आप दूसरा गाना. प्लीज कम टू नीदरलैंड फॉर शो. ठीक है, टिकट्स बुक करो, चलते हैं. प्लीज सिंग सनम तेरी कसम. अच्छा, सनम तेरी कसम. हाँ चलो, अभी एक काम करते हैं, तुम बिन सनम माय बेस्ट सॉन्ग. बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं बिहार से भी. देखो, उत्तम सिंह ने बिहार से प्यार भेजा है, थैंक यू. देखो, मैं अभी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाऊंगा, लेकिन मुझे आप सबसे, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए. ये लव फ्रॉम श्रीलंका, थैंक यू. मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए मेरे इस नॉन फिल्म के लिए. ये एक, यू नो, एक अलग, ये एक अलग सा कदम है इस म्यूज़िक के लिए. क्योंकि यू नो, स्टार की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही स्टार है, म्यूज़िक. और वो आप तक पहुंचाना है. जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनेंगे उतना हम सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंच जाए.
बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप YouTube पे जाएंगे, आपको टाइप करना है तुम हर दफ़ा हो, आपको तुरंत उसमें लिंक मिलेगा तुम हर दफ़ा हो टाइम्स म्यूज़िक का। सो जस्ट गो एंड वॉच एंड प्लीज़ डू कमेंट्स, क्योंकि जितने भी आप कमेंट्स करते हैं हमको मिलते हैं, हम सब पढ़ते हैं उसको, और जो भी कमियाँ जो भी खामियाँ हैं आगे ना हो वो पूरी कोशिश करेंगे, बट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और आप लोग देख रहे हो, ऐसा भी नहीं कि नहीं देख रहे हो, क्योंकि मुझे पता चल रहा है उसमें कमेंट्स आ रहे हैं उसमें। देखो व्हाट अ सोलफुल सॉन्ग सर, तुम हर दफ़ा हो, थैंक यू। मैंने अभी गाया शुक्ला, प्रणाम क्या था, प्रणाम शुक्ला, सॉरी। ओके सो अभी कौन सा बोला, गलियां। लिरिक्स को लिखने में कितना टाइम लगा, लिरिक्स को लिखने में, लिरिक्स लिखे हैं अभिंद्र उपाध्याय ने, जिन्होंने मेरा गाना लिखा था तू है कि नहीं, जिन्होंने मेरा गाना लिखा था कतरा कतरा, जिन्होंने मेरा गाना लिखा था बूंद बूंद, और बताओ सिंघम कुछ तो हुआ है, उन्होंने वही गाना उन्होंने लिखा था वो गाना, तो ये सब गाने उन्होंने लिखे हैं, और आगे तुम हर दफ़ा हो उन्होंने लिखा है, और आगे भी बड़े अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे गाने वो हमारे लिए लिखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां रेड शर्ट मस्त लग रही है, थैंक यू। आज मेरी रेड शर्ट अच्छी लग रही है, मैंने अच्छा किया पहन के रेड शर्ट। सो वन मोर फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, गलियां, दे आर टॉकिंग अबाउट गलियां, सो गलियां ऑलवेज माय फेवरेट, थैंक यू सो मच गाइस। ये गाना जो अच्छा, जो गाना बड़ा बनता है वो आप लोगों की वजह से बनता है, आप लोग जिम्मेदार होते हो उसके, और मैं चाहता हूँ कि तुम हर दफाओं को भी उतना ही प्यार दें, उतनी इज्जत दें, उतना ही सम्मान दें। परी देखो कुछ कोई तुमको हाय बोलना चाहता है, इधर दिखा दो, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, नहीं ऐसे ऐसे घूमो, हाय परी, तुम्हें बहुत लोग हाय बोलना चाहते हैं, यू आर बेटर देन, नहीं सर तुम हो, तुम हो, ये कौन सा गाना है, जितना महसूस करूं तुमको उतना भी पा, उतना ही पा भी लूं, कितना अच्छा गाती हो, चलो आओ, अरे सामने गाओ इनके, ऐसे नहीं होता, चलो रहती है।
सांस मिल जाती है थोड़ी देर में. कितना अच्छा गाती है. हाँ चलो अब मैं सुन रहा है आप स्टार्ट, क्योंकि आपके स्किल से मैं गाऊंगा. सबसे पहले आप बताइए आप क्या करने जा रहे हैं. हाय मैं लड़की, तुमको बोला किसी ने? हाँ मैं लड़की हूँ. सो आई विल सिंग दिस सॉन्ग, तुम सुन रहा है ना तू, सिंग इट द अंकित तिवारी. नो नो आई एम जस्ट अंकित तिवारी, नो जस्ट म्यूजिशियन, टच वुड. चलो गाते हैं. मैम यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी. ओह माय गॉड आई एम सो स्टार हूँ यार. या चलो. हाय ब्यूटीफुल. तुम हर दफा हो, लोग सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. अरे परी तुमको भी लोग बुला रहे हैं. परी कम यहाँ पे. अंकित परी को लेने गए हैं. चलो परी आ गई. चिच्चू बाबू ये देखो कौन है सामने. हाय बोलो बेबी. चलो आप गाओ, मैं भी गाता हूँ आपके साथ. मंजिली अपने कर्म की करदाए कर दे इधर भी तूने गाए. सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं. सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं यारा. आपकी कितने लोग ने आवाज सुनी, कितने लोगों ने पहचाना आपको. ब्यूटीफुल वॉइस मैम. थैंक यू सो मच सर. प्लीज अलाप वंस, अलाप मुझे खड़ा होना. परी परी चलो हाय बोलो सबको. उधर 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 वो देखो. हाय अभी सोकी उठी है परी. परी से हाय हाय. अनुज कुमार थैंक यू सो मच. काफी तारीफ हो रही है मैडम आपकी. थैंक्स टू यू. नहीं आर्ट तो सामने आनी चाहिए ना. देखो टाइम्स म्यूजिक यही करता है, जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं उनको सामने लाता है. नहीं बिल्कुल. आई मीट यू वंस सर, आई मीट यू वन टाइम. अच्छा जी परी तुम्हें गाना कुछ. से हाय परी. हाय परी से हाय. अच्छा टेन किसी टेन किसी टेन किसी. वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ग्रेट. सो और क्वेश्चंस. यस अंकित, किर्गिस्तान की बात करते हैं. वहाँ पे कोई ऐसी चीज, इनटू अ डिफरेंट जोन कम्प्लीटली, आपने ऐसी कोई चीज खाई हो जिसका आपको लगता है कि अनलिमिटेड सप्लाई हो. अनलिमिटेड सप्लाई, सप्लाई मतलब इंडिया में एवरीवेयर यू गेट इट ऑल द टाइम. यार मुझे ऐसा ध्यान तो नहीं है, बट वहाँ पे किर्गिस्तान में मुझे एक सरदार जी मिल गए थे. oh. और उन्होंने मुझे बिलीव मी वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया मुझे, जहाँ पे मुझे दाल रोटी सब्जी चावल मिल गया खाने को. फाइनली रायता भी था, दही भी था वहाँ पे. सो बोलो आपको प्लीज़ मेरे रश के कमर. कितनी बार बोलूँ आपको प्लीज़ गाना गा दो. अच्छा मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया. ना 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 दिल से चुराई मजा आ गया. आई एम सो सॉरी मुझे लिरिक्स याद नहीं है, है ना परी. तो मैंने गा दिया, इतना इतना ही आता था मुझे. तो गाइस थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. प्लीज एक बार मेरे रश की कमर और कैसे गाऊं, गा तो दिया.
तुम हर दफा इज अ हिट सॉन्ग, थैंक यू. अब लिख रहे, अब सुन लिया आपने, थैंक्स. तो थैंक यू सो मच. क्या लिखा, क्या पौली, क्या लिखा, पॉलमी. थैंक यू, कभी ना कभी हम लोग जरूर मिलेंगे पक्का. और थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई सॉन्ग तुम हर दफा हो. एंड सर लेटेस्ट सॉन्ग बाय यू सनी लियोनी हो, टॉप टेन ऑफ द ईयर. थैंक यू सो मच, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रिया मोरे. सो थैंक यू सो मच गाइज, आई एम रियली हैप्पी. मेरी पूरी टीम, ब्रदरहुड की पूरी टीम, टाइम्स म्यूजिक की पूरी टीम, टाइम्स नेटवर्क की पूरी टीम, हम सब बहुत खुश हैं इसके रिस्पॉन्स से. और हमारी कोशिश रही रहेगी, दिवाली गिफ्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको. हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको और अच्छा अच्छा म्यूज़िक दे पाएँ, कोशिश यही करते रहेंगे. और प्लीज़ गो एंड वॉच तुम हर दफ़ा हो ऑन यूट्यूब, टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पे. आप शेयर सब्सक्राइब व्हाट एवर यू कैन डू प्लीज़. एंड आप, मैंने इस गाने के साथ, तुम हर दफ़ा हो के साथ, मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है अंकित तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. और इसका तुम हर दफ़ा हो का लिंक वहाँ पे भी है, आप वहाँ पे भी सुन सकते हो गाना. सो मैं चाहूँगा कि आप, मैंने अभी अभी नया गाना बनाया, नया अपना यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, इस गाने के साथ ही लॉन्च किया है मैंने. सो इट्स कॉल्ड ऑफ कोर्स अंकित तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. सब्सक्राइब करेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे, मैं चाह सब्सक्राइब करेंगे तो उसके व्यूज़ बढ़ेंगे. सब्सक्राइब बोलो परी, सब्सक्राइब परी से हाय. परी से हाय. तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं मेरे, मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच, रियली लव यू. और जाते जाते मैं जा सकता हूँ ना, अभी बाय बाय कर सकता हूँ ना. जाते जाते ये गाना गा के जाता हूँ. कौन सा गाऊँ, दिल लडूबा डूबा मुझको अरे बिक आँखों में, आज लुटा लुटा मुझको अरे भी बातों ने, खाम खाता सीने में प्यार के महीने में, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी 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 दे दी, दिल चीज तुझे दे दी दे दी. हाँ तुम हर दफा. थैंक यू, बाय. परी फ्लाइंकिश, फ्लाइंकिश को फ्लाइंकिश सबको दो ना, ऐसे ऐसे. अच्छा मुझे दो पीछे.